नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाओं को हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। वियोजन, अब दोस्तों हम लोग समझते हैं जरा वियोजन का मतलब होता क्या है। वियोजन का मतलब होता है मित्रों, कोई पदार्थ जब वियोजित हो जाए, कोई पदार्थ जब घुल जाए, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एक फैक्टर एक एक पॉइंट से हम लोग सीखते चलेंगे आखिर में ये वियोजन अभिक्रिया है क्या। दोस्तों बात करें यदि वियोजन अभिक्रिया के बारे में, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। हमने कहा दोस्तों, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु, कोई भी दोस्तों पदार्थ का अणु हो, दो या दो से अधिक, यानी कोई बड़ा पदार्थ हो और दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों प्रकृति में ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिन्हें हम लोग हीटेड करते हैं या उन्हें घोलते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसे हम लोग ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जो उष्मा के प्रभाव से वियोजित हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग उष्मीय वियोजन कहते हैं। जो विद्युत के प्रभाव से, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन कहते हैं। तो उष्मीय वियोजन का मतलब क्या है, जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, अगर थोड़ा सा अगर इसे हीटेड वाटर में अगर इन्हें घोल दिया जाता है या फिर इन्हें गर्म कर दिया जाता है, तो PCl3 और दोस्तों Cl2 क्लोरीन में क्या होते, टूट जाते हैं। यही नौसादर होता है, नौसादर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो अमोनिया और HCl में टूट जाता है। HI को हम लोग उष्मा के द्वारा वियोजित करते हैं, हीट करते हैं, तो H2 और I2 में टूट जाता है। तो दोस्तों जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, वियोजन अभिक्रिया है क्या। जब किसी पदार्थ को आप गर्म कीजिए और दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो, घटित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया, आखिर में कैसी अभिक्रिया को हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात करें दोस्तों यदि उभय अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में, तो उभय अपघटन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें यौगिक के आयनों के मध्य अदला बदली होती है। जैसे ये क्लोरीन एजी के पास चला आएगा और ये NO3 NH के पास चला आएगा। अब यहाँ देखिए, जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है, उन्हें उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। हमने क्या कहा मित्रों, हमने कहा जिन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती, आयन और अन्य घटक के मध्य क्या होगी, अदला बदली होगी, उन्हें हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, इसे हम मिलाते हैं, क्रिया कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है NaNO3 में। इसी प्रकार एसिटिक एसिड सिरका विनेगर को हम लोग कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो सोडियम एसिटेट बन जाता है, सोडियम यहाँ और ये वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आयनों की दोस्तों क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।